यदि आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आगे मैं बताने वाली हूँ कि ये वीडियो मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हमने पेपर कटिंग करके हैप्पी, होली, पिचकारी और ये सारे शेप्स हमने बनाए। उसके बाद बकेट बनाने के लिए हमने फैब्रिक का यूज़ किया। फिर हमने इस तरह का सेटअप रेडी कर लिया। इसके बाद एक लेटर को क्रिएट करने के लिए हमने 6 पोजिशन में फोटोज़ क्लिक करी। फर्स्ट पोजीशन में पिचकारी को सीधे रखा, सेकेंड पोजीशन में पिचकारी बकेट में डालते हुए, थर्ड में पिचकारी के साथ थोड़ा सा कलर निकलते हुए, फिर फोर्थ पिक्चर में कलर थोड़ा सा पिचकारी से निकलते हुए और थोड़ा सा दूर जाते हुए, फिफ्थ पोजीशन में कलर पिचकारी से थोड़ा दूर रहेगा और लास्ट पोजीशन में एज को रख देंगे। इसी तरह बाकी लेटर्स के लिए सेम पोजीशन में फोटो क्लिक करेंगे, बस कलर चेंज होते रहेंगे। काइंड मास्टर में वीडियो एडिट करेंगे। वीडियो को एडिट करने के लिए प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। हम यहाँ यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाला रेशो सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही मीडिया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें सारे फोल्डर्स दिए जिसमें पिक्चर से, हमें उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की फोटोज़ शो है। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद फोटोज़ हमारे सामने शो हो जाएगी। सबसे पहले एज को क्रिएट करने के लिए हम 6 पिक्चर्स लेंगे और उसे एडिट करेंगे, उसका ड्यूरेशन कम करेंगे और उसे रन करके देखेंगे कि वो किस तरह से प्ले होती है। यहाँ हम पिक्चर सेलेक्ट करते जा रहे हैं, ये लास्ट पिक्चर है। अब हम फोटोज़ का ड्यूरेशन कम करते चलेंगे। यहाँ हम फर्स्ट और सेकंड और सबसे लास्ट वाली फ़ोटो का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बाकी बीच की जो फोटोज़ हैं 3 फोटोज़ उसका ड्यूरेशन एकदम कम रखेंगे, क्योंकि पिचकारी निकलने में टाइम लगता है और कलर जल्दी से चले आते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। अब हम प्ले करके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेटर क्रिएट हो चुका है। अब सेकेंड लेटर के लिए फिर से फोल्डर में से पिक्चर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने फिर से 6 पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। ये फिफ्थ है और ये लास्ट 6th फोटो है। अब वापस हम आगे जाते हैं और इन सारी पिक्चर्स का फिर से ड्यूरेशन उसी तरह से सेट करते हैं जैसे हमने एज के लिए सेट किया था। हम वैसे ही फर्स्ट, सेकंड और लास्ट पिक्चर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा रखेंगे और बाकी तीनों पिक्चर्स का जो बीच में है उसका ड्यूरेशन बहुत कम होगा। अब हम प्ले करके देखते हैं। अब बाकी दो लेटर्स के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। इस तरह चारों लेटर्स क्लियर होने के बाद 4 पिक्चर्स और ऐड करेंगे। फर्स्ट पिक्चर जिसमें होली लिखा हुआ और पिचकारी सामने, सेकंड जिसमें होकेट में पिचकारी और होली लिखा हुआ, थर्ड पिक्चर में पिचकारी सामने और कलर बिखरे हुए, और लास्ट पिक्चर में पिचकारी वापस बकेट में और कलर बिखरे हुए हैं। चारों पिक्चर्स सिलेक्ट करने के बाद इन चारों पिक्चर्स का ड्यूरेशन भी कम कर देंगे। ड्यूरेशन कम करने के बाद हम इसे प्ले करते हैं। यदि हम वीडियो में म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो पर क्लिक करके म्यूज़िक सिलेक्ट करके वीडियो में म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। वीडियो हमारा बन चुका है। अब हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए मीडिया के ऊपर जो एरो का सिंबल है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे।
वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, अब हम इस वीडियो को कहीं भी अपलोड कर सकते हैं।